प्यारे बच्चों आपका फिर स्वागत है री क्लासेस रोजा बाप में। अपना चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना विद द हेल्प ऑफ अबाउस प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे कि अबाउस प्रिंसिपल में कौन कौन से एक्सेप्शन हैं। बेटा इसकी हेडिंग हुई एक्सेप्शनल केसेस रिलेटेड विद अबाउस प्रिंसिपल। अब एक बात ध्यान दें, आपके कोर्स में एटॉमिक नंबर 50 तक, आपके कोर्स में एटॉमिक नंबर कितने तक, 50 तक चार एक्सेप्शनल केसेस हैं। कितने हैं, चार एक्सेप्शनल केसेस हैं एटॉमिक नंबर 50 तक। अब वो जो चार एक्सेप्शनल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं, उसका नंबर है एक का 24, है ना। 24 नंबर किसका होता है, एलिमेंट है क्रोमियम। दूसरा एक्सेप्शनल केस है 29 नंबर किसका है, कॉपर का। तीसरा एक्सेप्शनल केस है आपका 46, पैलेडियम। और चौथा एक्सेप्शनल केस है 47, आंसर 47 नंबर है एजी सिल्वर। तो चार एक्सेप्शनल केसेस हैं 50 एटॉमिक नंबर तक, और वो चार केसेस हैं क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47। ठीक, ये चार केस हैं। अब एक एक करके इन चारों केस को डिस्कस करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक्सेप्शन क्यों कॉज हुए, एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों हो रहा है। देखें बेटा, पहले है 24 नंबर होता है क्रोमियम का। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का रूल तो मालूम ही है, ठीक है ना। तो चलो भाई 24 क्रोमियम, इसका हमारे दिमाग से होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये हमने लिखा अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये आंसर आया। लेकिन क्रोमियम का असली आंसर ये नहीं होता है, ये आंसर रॉन्ग है। ये आपका आएगा, ये रॉन्ग है। सही आंसर क्या है, सही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करो 4s से 3d में, तो ये 4s2 की जगह 1 हो जाएगा और ये 3d 4 की जगह 3d 5 हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है ना। ऐसे ही अगर हम नंबर बात करें 29 नंबर किसका है, कॉपर का। तो कॉपर का 29 नंबर है, अगर आप लिखेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आपका आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। लेकिन ये जो आपका आएगा ये गलत है, सही कॉन्फ़िगरेशन होगा कॉपर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करो 3d10, 4s2 की जगह 4s1, 3d9 की जगह 3d10। ये रॉन्ग है, ये राइट है। आप देख रहे हैं, ये मैंने क्रोमियम में एक्सेप्शन बताया और ये कॉपर का बताया। ये होना चाहिए था, ये निकला। ऐसे ही कॉपर में ये होना चाहिए था, ये निकला। अब अगर हम बात करें 46 नंबर पैलेडियम की, तो उसका हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। उसके बाद हम लिखते हैं 4s2, 3d10, 4p6। फिर लिखते हैं 5s2, 5s2 के बाद आता है 4d8, 5s2 के बाद क्या आता है 4d8। ओके रहा,
यहाँ पे ये दिखाई ना दे रहा हो तो इसको मिटाल के नीचे लिख दूं 5s2 4d8। ये हमारा अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन असली में पीडी का होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 5s के 4d में चले जाते हैं, तो 5s खाली हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा, तो असली होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 यहां तक सेम रहा। अब ये हो जाएगा 5s0 और 4d8 की जगह हो जाएगा 4d10। ये केस बन गया। तो आपने देखा कि इसमें ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो इस तरीके से आपने तीन एलिमेंट में कंसीडर किया, ये क्रोमियम का एक्सेप्शन समझाया, ये कॉपर का समझाया, ये पीडी का समझाया। अब बात रह गई केस किसका रह गया, लास्ट केस रह गया एजी का। एजी का नंबर कितना है, 47। कितना नंबर है, 47। अब एजी का देखेंगे, एजी में ऐसा क्यों होगा, बात को देखें। एजी का नंबर 47 है, लिख रहा हूं यहां पे 47 एजी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 फिर इसमें होता है 4d9। ये हमारे यहां आना चाहिए, जबकि असली में 47 एजी का जब आप करोगे तो यहां तक तो सेम जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, 5s2 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4d9 में, तो ये हो जाएगा 5s1 और ये हो जाएगा 4d9 की जगह 10। ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो इस तरीके से हमने देखा चार कॉन्फिगरेशन, क्रोमियम 24, कॉपर 29, पैरेडियम 46 और सिल्वर 47। इनके जो कॉन्फिगरेशन मैं आबाव रूल से लिख रहा हूं, असली आंसर उनसे थोड़ा डिफर कर रहे हैं। डिफर कर रहे हैं या नहीं, तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, ये आंसर असली आंसर से डिफर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये आंसर असली आंसर से मैच नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं चारों के, देख लिए, कट का मतलब है ये होना चाहिए, राइट का मतलब है ये है, ये होना चाहिए, ये है एक्सेप्शन हो गया, ये होना चाहिए, असली में ये होता है, यानी एक्सेप्शनल है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी हमारी उम्मीद से उल्टा आना, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्यों होते हैं, इसका कारण समझना हमें, एक्सेप्शन क्रिएट क्यों हुए, पहले आप इसे देख लो अच्छे से, ठीक है कि नहीं। अब बताइए एक्सेप्शन क्यों होते हैं, एक्सेप्शन क्यों होते हैं, इस बात को समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो भी टॉपिक काफी बड़ा है, एक्सेप्शन क्यों कॉज होते हैं, उसे बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो की जरूरत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये आपको सारे एक्सेप्शनल केसेस आपने नोट कर लिए होंगे, देख लें। अब ये क्यों होते हैं, इनका कारण समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।